रशिया ने भी लॉन्च किया था, रशिया का बीच में डैमेज हो गया, मसला बन गया, इतना बड़ा वो मुल्क है इंडिया, उसके सामने कुछ भी नहीं है रशिया के सामने, लेकिन आज इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड यार। पहली बात तो इंडिया ने प्रूव किया कि वो एक कौम है, एक यूथ है जिन्होंने चांद पर जाने की हिमाकत की है, उन्होंने पूरी की है, और हम लोग अपना खाना पीना पूरा कर लें वही बहुत है। बाहर में जाए पाकिस्तान, जो मरता है मरे, जो नहीं मरता ना मरे, किसी को किसी से कोई लिंक नहीं यहाँ पे। वो लोग कौम बन चुकी है, वो मार्स तक भी जाएंगे, चांद की छोटी बात उनके लिए, अब तो वो मार्स तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। वो अब इस टाइम चांद पर बैठे हुए हैं और हम लोग अभी शलवार के नारे में अटके हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इंडिया ने अपने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लैंड कर दिया है, क्या ख्याल हो जज्बात है आपके पाकिस्तानी होने के नाते? ये साबित कर दिया उन्होंने कि वो चांद पे पहुंच गए हैं। पहला फेल हुआ, दूसरा फेल हुआ, लेकिन तीसरा उन्होंने पहुँचा दिया। ये ले, हमने तो अभी तक डायग्राम भी नहीं बनाया कि हम इस तरह इस पे जाएंगे चांद पे। बेस्ट विशेस है इंडिया के लिए, इंडिया ऐसी तरक्की करता रहे यार। माना कि वो 2 दफ़ा पहले फेल हुए हैं, लेकिन इस दफ़ा तो उन्होंने हिस्ट्री कायम कर दी है भाई जान। ठीक है, वो अब इस टाइम चांद बैठे हुए हैं और हम लोग अभी शलवार के नारे में अटके हुए हैं। लोग सारे पाकिस्तानी वाले यही कोशिश करते हैं, जाहिर सी बात है उनके साथ कम्पीट तो कर नहीं सकते इस मामले में, वो हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, कम्पीट तो हम उनको कर ही नहीं सकते। ठीक है, वो हमसे 100 साल आगे हैं। हम लोग पाकिस्तान में यही बैठ के सोच रहे थे कि यार ये यही दुआएँ थी यार, ये फेल हो जाएँ। ठीक है, चंद्रयान 3 फेल हो जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने दिखाया करके, और हम लोग एज अ नेबर उनको कंग्रेचुलेशंस करते हैं भाई, कंग्रेचुलेट करते हैं कि वो उनको और कामयाबी मिलेगी फिर। यार आप मेरे ख्याल पूछते हैं, आप ये हिसाब लगा लें कि जब चंद्रयान मिशन पास हुआ था ना, जब इन्होंने फर्स्ट टाइम उड़ा दिया था, मैं तो तब से लेके अब तक वेट कर रहा था। 23 अगस्त का इन्होंने टाइम दिया था कि लैंड कर जाएगा, आज 23 अगस्त ही और देख लें उन्होंने लैंड कर दिया। एक खुशी भी हो रही है और ये भी हो रहा है कि यार हमारा हमसाया इतनी तरक्की कर रहा है, हमारे पाकिस्तान को क्यों नहीं ये चीज़ों की अपॉर्चुनिटी मिल रही। यार पहली बात उनको मैं अप्रिशिएट करूँगा, और अगर पाकिस्तान से उनको रिलेट करूँ, पहली बात तो ये हमने भी तो झंडा लगाया ना, हमारा खुद का अपना एक चांद है, पूछो कौन सा वो बागा बॉर्डर हमारा चांद है, जो 40 करोड़ का झंडा लगा वहाँ पे, वो हमारा चांद है, हमने वहाँ तक पहुँचना है, हमने वहाँ जाके बड़ा सा कुप्पा लगाना है, कुप्पे पे हमने बड़ा 50 करोड़ का झंडा लगाना है, वो कुप्पा एक बड़ा था उस पर 50 करोड़ हमने ज़ाया किया है, और उन्होंने चांद में पहुँच कर अपना झंडा लगा के उन्होंने पैसे बर्बाद, उन्होंने बताया कि हम लोग कौम है, हम लोग यूथ हैं जो बैठी हुई एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पे, गया भाई बागा बॉर्डर हमारे लिए बना हुआ है चांद, उस पर लगाना 50 करोड़ का झंडा पहन, जो आवाम मर रही है उनको मरने, तो उनको गेम के लिए रिसोर्सेज नहीं बनानी। अभी मैं मेट्रो पे आ रहा हूँ, मेट्रो के बुरे हालात हुए पर वहाँ एसी नहीं चल रहे, सब लोग गर्मी मर रहे हैं, गरीब लोग तो वहाँ पिसे हुए थे अंदर, इतनी की हब्बत सलाना सीन था। 50 करोड़ के अगर आप मेट्रो को सही कराते आपकी आवाम तो खुश होती है, झंडे में 50 करोड़ आपने ज़ाया किया है, हवा में ही उड़ रहा है, उसका क्या रिसोर्स है मुझे पहले ये बताओ। एक्चुअली पहले तो ये है कि हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये यानी कि लॉन्च भी हो गया, और उसके बाद ये वहाँ पर पहुँच भी गया और लैंड भी हो गया। ये सरप्राइजिंगली न्यूज़ थी हम सब के लिए, बट बहुत ही अच्छा हुआ इंडिया के लिए। मैं गुड लक कहता हूँ, उन्होंने दुनिया के उस चांद के उस हिस्से पे लेके गए हैं जहाँ पर आज तक किसी ने इसको लैंड ही नहीं किया, नॉर्थ पोल के ऊपर डार्क साइड है वो चांद की सारी, तो देखे ना। तो ये बस इंडिया ने बहुत ही बड़ी अचीवमेंट की है, दुनिया को में अपना लोहा मनवाया बेसिकली इंडिया ने कि यार हम लोग कुछ आए। इसरो ने बताया कि भाई जान हमारा जो यानी कि जो चीज़ हमने लॉन्च की है वो दुनिया की बेहतरीन चीज़ों में से एक है। तो अब उन्होंने बता दिया, अब पूरी दुनिया उनको देख रही है, रशिया को देख लें, रशिया ने भी लॉन्च किया था, रशिया का बीच में डैमेज हो गया, मसला बन गया, इतना बड़ा वो मुल्क है इंडिया, उसके सामने कुछ भी नहीं है रशिया के सामने, लेकिन आज इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड ये मोमेंट है कि हम बहुत सारे पाकिस्तानी तो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि शायद उनका ये मिशन भी फेल हो जाए, हम उनका मजाक बनाएं। बाकी यार पाकिस्तानियों ने इस चीज़ को बहुत ही मजाक उड़ाया, क्योंकि लास्ट जो उनका इंसिडेंट हुआ था ना उसको बेस बना गए, बट इसको मजाक नहीं बनाना चाहिए, इंडिया से सीखना चाहिए, हम सबको सीखने की ज़रूरत है इंडिया से कि इंडिया ने किस तरह अपनी मेहनत करके किस तरह उन्होंने इसको तैयार किया, किस तरह अपना लोहा मनवाया, तो ये इंडिया की अचीवमेंट है यार, इसको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान कहाँ पर, इंडिया कहाँ पर, आज इंडिया चांद पर पहुँच गया, और पाकिस्तान को देख लें, पोलिटिकल इशूज़ हैं काफ़ी ज़्यादा, अनस्टेबल इकोनॉमी है, खाने पीने की चीज़ें ढूंढ रहे हैं, हमें आटा मिल जाए, यहाँ पे आटा मिल जाए, चीनी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, आटे का रेट अभी बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, बिजली का रेट भी 5 रुपये बढ़ा है, पड़ा आज मैंने देखा रेट बढ़ गया 5 रुपये यार, तो क्या हम लोग गुजारा करेंगे मुझे ये बता। हमारी गवर्नमेंट ने हमें 14 अगस्त के लिए क्या गिफ्ट किया है, जैसे इंडिया ने अपनी 14-15 अगस्त के लिए चांद पे गए हैं, हमारी गवर्नमेंट ने क्या विश किया? हमारी गवर्नमेंट ने हमें पेट्रोल गिफ्ट किया था, 20 रुपये महंगा हुआ था, उसके बाद आज इंडिया ने चांद पे अपना लैंड किया है चंद्रयान, और हमने देखे कि 5 रुपये बिजली महंगी कर दी।